हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका टुडेज के इस कार्यक्रम में। आज हम आपको जो नई रिपोर्ट, जो नई न्यूज़ बताने जा रहे हैं, वो सुनकर के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। दूध की मिलावट पहचानेगा अब आपका स्मार्टफोन। जी हाँ, दूध को विज्ञान के मुताबिक कंप्लीट फूड कहते हैं। एक गिलास दूध पूरे दिन आपका स्टेमिना मेंटेन रखेगा, लेकिन इसी दूध में आजकल मिलावट इतनी ज़्यादा हो रही है कि ये फ़ायदा करने के बजाय नुकसान कर रहा है। इसलिए डिजिटलाइजेशन की दुनिया में एक नया तरीका ढूंढा गया है दूध में मिलावट की समस्या से निजात दिलाने के लिए। आईआईटी हैदराबाद के रिसर्चर्स ने एक स्मार्टफोन बेस्ड सिस्टम विकसित किया है। स्मार्टफोन में लगा डिटेक्टर सिस्टम एक इंडिकेटर पेपर का इस्तेमाल करके दूध में एसिडिटी का पता लगाएगा। इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला इंडिकेटर पेपर एसिडिटी के अनुसार अपने रंग में बदलाव करता रहता है। उन्होंने एक ऐसा एल्गोरिदम भी विकसित किया है जिससे जिन्हें रंगों का एग्जैक्ट पता लगाने के लिए स्मार्टफोन में शामिल किया जा सकता है। रिसर्च टीम लीड करने वाले आईआईटी प्रोफेसर शिव गोविंद सिंह ने कहा कि क्रोमोथेरापी और स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीकों का इस्तेमाल करके फिलहाल दूध में मिलावट का पता लगाया जा सकता है। दूध में मिलावट का पता लगाया जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर ऐसी तकनीकों के लिए महंगे उपकरणों की आवश्यकताएं होती है। इसलिए उनका इस्तेमाल कम कीमत और आसानी से इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों में करना संभव नहीं है। यही कारण है कि विकासशील देशों में बड़ी संख्या में दूध खरीदने वाले ग्राहक इसे नहीं खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसा साधारण उपकरण तैयार करने की आवश्यकता थी जिसका इस्तेमाल ग्राहक दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए कर सके। एक ही समय में सभी स्टैंडर्ड्स की निगरानी करके दूध में मिलावट का पता लगाना संभव हो सकता है, वह भी बिना महंगे उपकरणों का इस्तेमाल किए हुए। हमने 3 मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग किया है और इंडिकेटर स्ट्रिप्स के रंग को क्लासिफाइड करने में भी उनकी आइडेंटिफिकेशन कैपेसिटी की तुलना की है। उन्होंने यह भी कहा कि हमने दूध में मिलावट का पता लगाने में 99.71% सफलता हासिल कर ली है। शोध टीम ने सबसे पहले एसिडिटी इंडिकेटर पीएच लेवल का पता लगाने के लिए सेंसर चिप पर आधारित थ्योरी जनरेट की। उन्होंने नैनो साइज्ड निलियन फाइबर से बने कागज जैसे सामग्री का उत्पादन करने के लिए इलेक्ट्रो स्पिनिंग नाम का एक प्रोसेस का उपयोग किया जो 3 रंगों के कॉम्बिनेशन से भरा हुआ था। पेपर हेलोक्रोमिक है जो एसिडिटी में परिवर्तन के जवाब में रंग बदलता है। रिसर्चर्स ने एक प्रोटोटाइप स्मार्टफोन बेस्ड एल्गोरिदम विकसित किया है जिसमें दूध में डुबकी के बाद सेंसर स्ट्रिप्स के रंग को फोन कैमरे में कैद कर लिया जाता है और यह डेटा पीएच रेंज में बदल जाता है। तो दोस्तों, ये थी कि आने वाले समय में आप कैसे अपने स्मार्टफोन्स का यूज़ दूध की क्वालिटी को पहचानने में कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि अभी इसके ऊपर काम चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस ये आम इंसानों के लिए स्मार्टफोन्स में अवेलेबल हो जाएगा। तब तक के लिए इंतज़ार है, जैसे ही कोई नए अपडेट्स आएंगे हम लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज़ फॉर मोर वीडियोज़। और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें।